हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जेम, CSIR नेट, गेट, एंट्रेंस पेपर फॉर MSc, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, BSc मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स, SRF मैथमेटिक्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 21 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द स्ट्रीम लिवेलियो प्रॉब्लम y" (+λy)=0। यहाँ पे y0=0 एंड y'(π/2)=0। यानी हमें इसके लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालने होंगे। तो फिर इसको सोल्व करते हैं। बेसिकली इसमें जो हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन निकालने हैं तो लेमड़ा की वैल्यू जो है वो तीन तरह से चेंज हो सकती है। यानी लेमड़ा 0 हो सकता है, लेमड़ा नेगेटिव हो सकता है और लेमड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे तीन केस बनते हैं। उन तीनों केसों के अंदर हम इसको देखेंगे किस कहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इफ लैम्डा इक्वल टू 0। केस फर्स्ट, लैम्डा इक्वल टू 0 हो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी y" (=0)। और इसका सॉल्यूशन सिंपली हम लिख सकते हैं y = ax + b, जहाँ पे a और b दोनों कॉन्स्टेंट है। अब फ्रेंड्स, जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास क्या, y एट 0 पे 0, तो x अगर 0 पुट करते हैं तो b = 0 और y' = π/2। y' अगर निकालते हैं इसका तो y' = आ जाएगा हमारे पास a, और ये y' (π/2) = 0 इंप्लाई a = 0। तो यहाँ से a और b दोनों ही 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y = 0। तो y = 0 है तो इस कंडीशन में ना तो आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से हम कहेंगे इंप्लाई देयर नो आइगन वैल्यू एंड नो आइगन फंक्शन। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं कि सपोज कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव है, इफ केस थर्ड केस सेकंड, इफ लैम्डा इज नेगेटिव, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो उस कंडीशन में सपोज λ = -n² λ = -n² ले लिया। n कुछ भी हो हमारे पास, λ² = λ जो है वो नेगेटिव रहेगा। ये हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, y " -n² y = 0। तो इसके सॉल्यूशन लिखने के लिए सिंपली एक्सेलरेटर इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्सेलरेटर इक्वेशन क्या बनेगी, m² - n² = 0 या m = ±n। तो यहां से हमारे पास आ गया CF, इसका CF या y जो सॉल्यूशन है वो है c1e^(nx) + c2e^(-nx)। ये आ गया। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास y@0 = 0। तो y@0 अगर 0 पुट कर दे तो यहां से जाएगा हमारे पास c1, ये 0 हो जाएगा e^(nx) और e^(-nx) भी 0 हो जाएगा क्योंकि x है 0 है। तो ये सॉरी 1 हो जाएगा, e^(nx) 1 e^(-nx) 1। तो ये वो c1 + c2 = 0 या यहां से हो गया c1 = -c2। और सेकंड केस है हमारे पास π/2। तो y' निकालते हैं इसका, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा y' निकालते हैं तो ये हो जाएगा c1e^(nx)·n - c2e^(-nx)·n। ये इसका y' आ जाएगा। अब y' x है, y' π/2 = 0 दिया हुआ है और जहां पे हमारे पास c1 = -c2 आ गया तो c1 की जगह -c2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -c2 = -c2e^(nx) - c2e^(-nx)·n - c2e^(-nx)·n। ये हो गया। और फिर से यहां पे हमने π/2 पुट करना है, π/2 ये हो गया। अब अगर हम देखें तो ये टर्म जो है इसमें से अगर हम c2 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा, c2 कॉमन ना लेके
कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको दो बार ऐड हो गया तो ये हो गया हमारे पास माइनस टू सी टू एन, ये तो हमने कॉमन ले लिया माइनस सी टू एन, ये तो कॉमन आ जाएगा, ये ऐड नहीं हुआ, फिर ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर एन एक्स एन पाई बाई टू माइनस, और ये हो गया ई टू द पावर माइनस एन पाई बाई टू, बट माइनस भी कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ये टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये हमारे पास e टू द पावर n पाई बाई टू, ये जो है किसी भी पावर अगर कोई भी कुछ पावर हो तो जीरो होती है, पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, यानी ये जीरो इक्वल नहीं हो सकती, ये इक्वल टू जीरो पूरा है, और n जो है ये जीरो तो इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, अगर n इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास तो केस है, ये केस सेकंड केस फर्स्ट में चेंज हो जाता है, यानी लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में हमारे पास n इक्वल टू भी जीरो नहीं है, टू जीरो नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास हुआ सी टू इक्वल टू जीरो, तो सी टू इक्वल टू जीरो है तो इस केस की एडिशन कर सकते हैं सी वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास सी वन और सी टू दोनों जीरो हो गए, तो यहाँ से सिमिलरली इसी जैसे वहां कहा था हमने कि कोई भी हमारे पास सी वन और सी टू दोनों जीरो है तो देयर नो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, तो यहाँ पे भी केस सेकंड में भी यहाँ पे कोई आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं केस नंबर थर्ड, केस थर्ड क्या है, जब हमारे पास लैम्डा बराबर एन स्क्वायर यानी लैम्डा जो है पॉजिटिव हो, तो लैम्डा पॉजिटिव हो तब उस केस में हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगी वाई डबल डैश प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो इसकी एक्सेलरेटिव क्वेश्चन हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या एम बराबर माइनस या एन आयोटा प्लस माइनस रूट एन आयोटा, तो ये हो गया हमारे पास। अब तो यहाँ से हमारा हम सी एफ लिख सकते हैं, सी एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी एफ बराबर वाई, क्योंकि सॉल्यूशन भी वाई भी रहेगा, यही हो जाएगा सी वन कोस एन एक्स प्लस सी टू साइन एन एक्स। अब फ्रेंड्स गिवन कंडीशन क्या क्या है, गिवन कंडीशन पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वाई जीरो है इक्वल टू जीरो, तो अगर हम वाई पे जीरो पुट करें यहाँ पे जीरो इक्वल टू सी वन, और ये जो है वन हो जाएगा कोस जीरो वैल्यू वन, और साइन एन एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, तो सी टू को हमारे पास तो डिफाइन नहीं होगा, बट ये हो गया हमारे पास सी वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया। सेकंड है हमारे पास वाई डैश पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, तो पहले इसका वाई डैश निकालना होगा, तो यहां से हम पहले सिंपली वाई को लिख सकते हैं सी टू साइन एन एक्स, क्योंकि सी वन तो जीरो हो गया, तो ये हो गया वाई बराबर सी टू साइन एक्स, वाई डैश एक्स बराबर लिखना चाहे तो सी टू एन जगह सी टू एन कोस एन एक्स सी टू एन कोस एन एक्स आ गए। अब ये इक्वल टू जीरो एट पाई बाई टू, तो एट पाई बाई टू पे देखना है तो वाई डैश पाई बाई टू इक्वल टू सी टू कोस एन पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो एन पाई बाई टू ये जीरो हो या सी टू इक्वल टू जीरो हो, तो फर्स्ट एफ C2 इक्वल टू जीरो, अगर C2 इक्वल टू जीरो है तो C1 इक्वल टू जीरो आ गया, तो इन दिस केस में नो आइगन वैल्यू एंड नो आइगन फंक्शन, ये हो गया। अब अगर ये हमारे पास ये तब है जब C2 इक्वल टू जीरो, अब सपोज कि C2 नॉट इक्वल टू जीरो, फिर सपोज लेट C2 नॉट इक्वल टू जीरो, C2 नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में हमारे पास cos n पाई बाय टू ये है, ये जीरो होना चाहिए, तो cos n पाई बाय टू, यानी cos जीरो कब होता है, cos जीरो होता है तो cos की वैल्यू कुछ n यानी सॉरी ऑड नंबर पे 2m प्लस 1 सॉरी 2m माइनस 1 कर सकते हैं पाई बाय टू, यानी अगर हम देखें तो cos पाई बाई टू cos 3 पाई बाई टू सब पे ये जीरो होता है, तो इस कंडीशन हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, इसको cos 2m माइनस 1 पाई बाई टू पे जीरो होगा, तो यहां से हमारे पास आ गया
अगर कंपेयर करें तो एन पाई वाई टू इक्वल टू टू एम माइनस वन पाई बाई टू, तो यहां से पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा, यानी एन बराबर आ गया टू एम प्लस वन, जहां पे एम बराबर जो है वो है वन टू थ्री, इस तरह से ये नंबर्स हैं। अब फिर यहां से हम वाई एन को क्या लिख सकते हैं, वाई एन को लिख सकते हैं यहां से, वाई एन क्या हो गया अब जो हमारे पास सॉल्यूशन था वहां से हो जाएगा सी टू कॉस एन एक्स की वैल्यू एन की जगह टू एम प्लस वन एक्स, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन आया, ये फंक्शन तो कहलाता है हमारे पास आइगेन फंक्शन, आइगेन फंक्शन, ये फंक्शन कहलाता है आइगेन फंक्शन। अब अगर हम आइगेन वैल्यू निकालना चाहे, आइगेन वैल्यू क्या थी हमारे पास, लैम्ब्डा बराबर हम एन स्क्वायर पे बात कर रहे थे, तो यानी आइगेन फंक्शन आइगेन वैल्यू जो हुई वो हुई हमारे पास जो एन है उसका स्क्वायर टू एम प्लस वन का स्क्वायर, यानी आइगेन वैल्यू आइगेन फंक्शन ये रहा और आइगेन वैल्यू ये रही। तो इस तरह से हम आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।